हेलो, मैं सचिन बात है क्लास से। दोस्तों, मैं आपकी आज पहली क्लास है और वो आपकी क्लास है कंप्यूटर के सीपीयू की। उसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है सब कुछ, तो चलते हैं। चल देखिए, सीपीयू थोड़ा हमारा पड़ा है ऐसे ही, इसे हम अपना ओपन करेंगे सीपीयू को। ओके, ये रहा हमारा सीपीयू, इसे ओपन करते हैं। नॉर्मली आपको शॉर्ट वीडियो की तरह बेसिक सा समझाते हैं, जो आप ये चीज़ देख पा रहे हो, ये मदरबोर्ड होता है। तब मैं आपको बाहर निकाल के दिखा सकता हूँ उसे। सॉरी, ये नहीं निकल पा रहा है एक्चुअली। ये आपकी रैम होती है, अलग निकली हुई रखी है, और जिसका स्लॉट यहाँ पे होता है, इसके अंदर यहाँ पे रैम लगती है। ये आपकी रैम है, थोड़ा बहुत दिन से पड़ा है तो। अच्छा जी, इसका हम एक चीज़ देखते हैं कि सीपीयू हम इसे कहते हैं, लेकिन इसके अंदर होती है सीपीयू सॉकेट, जो मेन सीपीयू होता है। ये तो कैबिनेट होता है, अलग अलग चीज़ कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन असली सीपीयू हमारा ये है, जिसके अंदर ये, इसे कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है। ये है वो माइंड, जैसे हाँ। देखिए, निकल चुका है, ये होता है वो इस टाइप से, और देखिए इस टाइप से वो होता है इसका सीपीयू सॉकेट। हमने निकाल लिया है, उसको भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये है, आप देख पा रहे होंगे, इंटेल कंपनी का है। बाकी और चीज़ देखते हैं क्या है। रेम हमारी यहाँ पर रखी हुई है, SMPS हमारा ये रहा। बाकी आपको अब इसके बाहर से दिखाते हैं। ये आपके ये स्लॉट्स हैं हमारे, VGA बोर्ड का स्लॉट होता है, जिससे हम मॉनिटर कनेक्ट करते हैं। ये भी आपके, और ये आपके माउस की बोर्ड के हैं, PS2 बोर्ड जो पहले होते थे, लेकिन अब USB बोर्ड यूज़ किए जाते हैं। ये आपके उन पोर्टों, ये वॉइस के पोर्ट हैं, ये उन उस पोर्ट के लिए, जैसे हमारा कोई, ये इनमें से कोई पोर्ट ख़राब हो जाता है तो डायरेक्टली इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका SMPS है, ये SMPS का फैन होता है, और ये आपकी केबल्स क्या है डायरेक्ट पावर सप्लाई देने के लिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये आपका आगे कहा चुका है, ये आपका CD DVD प्लेयर होता है ओपन करने के लिए, इसका ये बटन दिया हुआ है यहाँ पे। ये आपका CPU ऑन करने के लिए बटन ये रहा। ये आपकी पहले एक CD टाइप आती थी विंडो वगैरह के लिए, उसके लिए होता है। ये आपकी USB पोर्ट है, जो यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं, निकाल भी दिए हैं, ये उसके लिए है। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये तो शॉर्टली तरीके से थी, लेकिन आपकी आगे से जो वीडियो आएंगी बहुत ही अच्छी तरीके से आएंगी, आपकी समझ में आएगा हर हर कोई हर चीज़, हर कंसेप्ट आपकी समझ में आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं या कमेंट कर सकते हैं कैसी बनी है, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे की वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ सपोर्ट यार।